Hello everyone, this is Monica and I welcome you to my channel Monica Academy. आज की वीडियो में हम बात करेंगे NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसमें पिछले कल ही बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं. सो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नेम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है. 34 ईयर्स बाद कैबिनेट ने इसे पास किया है और इसके साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस जो है वो आ गए हैं. इन सब चेंजेस के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी. सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्शन की. फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स की जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है उसे कहा गया है कि या तो वो आपका नेशनल लैंग्वेज होगा, या वो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, या फिर वो आपकी मदर टंग होगी. इन्हीं तीन मीडियम में आप स्टूडेंट को जो है वो एजुकेशन दे सकते हो. इंग्लिश जो है उसके बारे में एक बड़ी बात कही गई है. इंग्लिश जो है उसको आप सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ही टीच कर सकते हो, इससे ज्यादा इंग्लिश को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है. इसके बाद आती है 9 to 12 तक की क्लासेस. इन क्लासेस में बहुत ही ज्यादा चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं. 9 to 12 पहले अब तक जो क्लासेस हो रही थी उसमें एनुअल एग्जामिनेशन हुआ करते थे, लेकिन इसे चेंज करके अब सेमेस्टर वाइज जो है एग्जाम्स को किया जाएगा. 10th और 12th जो है उनमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं. चेंजेस ना करने का मतलब है बोर्ड को लेकर. 10th और 12th जो है वो अभी भी बोर्ड क्लासेस ही रहने वाली हैं. इसके साथ ही स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है वो म्यूजिक के साथ साथ साइंस को भी चूज कर सकता है. ऐसे ही वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे जिसको बच्चा जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकता है. इसके बाद एक बड़ी बात ये बताई गई है कि 12th क्लास कंप्लीट होने तक बच्चे के अंदर जो है वो एक स्किल का डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. यानी 12th स्टैंडर्ड कम्प्लीट होने तक बच्चे को एक स्किल जो है वो पूरी तरह अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए. अब बात करते हैं हम रिपोर्ट कार्ड के बारे में. रिपोर्ट कार्ड जो है उसमें काफी बड़ा चेंज किया गया है. रिपोर्ट कार्ड हमेशा से ही एक ऐसी चीज रहा है पेरेंट्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट के लिए, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही है जो उनका पूरे साल भर का प्रोग्रेस जो है उसे शो करेगा. सो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड को लेकर ये कहा गया है कि रिपोर्ट कार्ड जो होगा उसको तीन टाइप से इवेल्युएट किया जाएगा. सबसे फर्स्ट, बच्चा जो है वो अपना इवेल्युएशन खुद ही करेगा. नंबर टू, बच्चे का इवेल्युएशन उसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी करेंगे. एंड नंबर थ्री, बच्चे का इवेल्युएशन उसके बाद टीचर करेगा. यानी कि यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में आपको तीन टाइप के इवेल्युएशन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे. यानी कि जो अब आपका रिपोर्ट कार्ड है वो तीन टाइप के इवेल्युएशन से मिलकर बना होगा. अब बात करते हैं हायर लेवल की एजुकेशन की, यानी कि कॉलेज की एजुकेशन के बारे में. यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट ईयर कम्प्लीट करने के बाद आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा. एंड जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको डिग्री जो है वो दी जाएगी. कॉलेज के लिए यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि कॉलेज जो है वो या तो तीन साल का होगा या फिर 4 साल का होगा. 3 साल का कॉलेज उनके लिए होगा जो कि हायर एजुकेशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो लोग हायर एजुकेशन लेने में इंटरेस्टेड है उनके लिए कॉलेज जो है वो 4 साल का किया गया है. उससे हायर एजुकेशन की बात करें तो इससे पहले आपको PhD करने के लिए पहले MA करना होता था, देन आपको MPhil करना होता था, उसके बाद ही आप PhD जो है उसको कर सकते थे. लेकिन अब बीच में से MPhil को हटा दिया गया है. अब अगर आप PhD करना चाहते हैं तो सिर्फ MA होना काफी रहेगा. सो इसके साथ ही जो हमारी NEP है उन्होंने अपने 10 ईयर्स के पूरे टारगेट्स को फिक्स कर लिया है, और ये टारगेट्स जो हैं वो हमारी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए ही बनाए गए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.